हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। वी आर हियर फॉर योर बेटर फ्यूचर। लेट्स लर्न, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 18 रचना के 6 टू 11 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 1 टू 5 क्वेश्चन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, और ऊपर आई बटन जो दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करोगे तो वहां पर भी मैं उसकी लिंक डाल दूंगी और एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगी, ताकि आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 6, अविनाश साथियों को पंचायत घर पर पत्थरबाजी करने से क्यों रोकता है? तो इसका उत्तर आता है, अविनाश साथियों को पंचायत घर पर पत्थरबाजी करने से रोकता है क्योंकि पंचायत घर की रचना में उसका सहयोग होने से उसे वह अपनत्व महसूस करता है। तो यहाँ पे अविनाश मना करता है कि हमें पत्थरबाजी नहीं करनी है, और नरेश, रमेश और निमेश को कहता है कि आप लोग पत्थर मत फेंकिए, इसको तोड़ना नहीं है, हमारा काम है इनसे प्रश्न पूछना, इसका उत्तर जानना और उन्होंने ऐसा क्यों किया वो जानना है। लेकिन पथराव करके किसी बिल्डिंग को या किसी पंचायत घर को या बात हो रही, लेकिन पथराव करके हमें किसी भी चीज का नुकसान नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे पंचायत घर की जब रचना हो रही थी, तब अविनाश ने उस घर को बनाने में, पंचायत घर को बनाने में अपना खुद का सहयोग दिया था, और वो वहां पे उसको उसकी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में उसने भाग लिया था, इसलिए वो कहता वो वहां पे उस बिल्डिंग के साथ अपनत्व महसूस करता है, इसलिए वो उसको तोड़ने से मना करता है या फिर पत्थरबाजी करने से मना करता है, रोकता है। नंबर 7, अविनाश को पंचायत के मकान से क्यों लगाव था? तो सेम वही उत्तर आता है कि अविनाश को पंचायत के मकान से लगाव था क्योंकि उसकी नींव रखते समय उसने स्वेच्छा से उसमें हाथ बटाया था, यानी जब वो बन रहा था तो वो स्वेच्छा से उसको बनाने में मदद करने के लिए गया था, तो उसके लिए उसके मन में एक लगाव है। वैसे ही हमें हमारे गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वैसा ही लगाव होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको उन चीजों को बनने में हमारे पैसे ही लगे हुए हैं, हम जो टैक्स पे करते हैं उसी से वो चीजें बनती है, तो वो हमारी ही चीजें हैं, तो हमें कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन ऐसी सार्वजनिक चीजों को कभी भी तोड़ना फोड़ना या फिर उस पर पथराव करके उसको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए, यही इस चीज का मोरल है। नंबर 8, अविनाश ने आवेदन पत्र में क्या लिखा था? इसका उत्तर आता है, अविनाश ने आवेदन पत्र में पंचायत द्वारा किए गए घोटालों तथा अन्य भ्रष्टाचारों के बारे में लिखा था। तो यहाँ पे वो उनसे इसी बात के लिए जवाब मांगता है कि इन घोटालों की वजह क्या है और क्या सच में ये हुआ है, और जो भ्रष्टाचार हो रहा था उनको पता है कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको रोकने के लिए उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए थे और इसीलिए वो वहां पे अनशन करके बैठे हुए थे। नंबर 9, रमेश, निमेश, नरेश और अविनाश अनशन पर क्यों बैठे थे? तो इसका उत्तर आता है, रमेश, निमेश, नरेश और अविनाश अनशन पर बैठे थे कि कई बार प्रार्थना पत्र देने और प्रतीक्षा करने के बाद भी पंचायत के सदस्यों ने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए थे, और यहाँ पे इन लोगों ने एक लीगली जैसे प्रोसेस होती है वैसे उन्होंने एक आवेदन पत्र लिखा, उसमें सारी चीजें डाली और उनको ये सारे क्वेश्चंस लिख के फिर पंचायत के जो सदस्य हैं उनको दिए, लेकिन वो लोग कोई आंसर दे रहे नहीं थे, यहाँ पे कोई जवाब नहीं दे रहे थे, इसीलिए उन लोगों ने अनशन करना उचित समझा और अनशन पर बैठते हैं। नंबर 10, निमेश के अनुसार नरेश को अपशब्दों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे इसका उत्तर आता है, निमेश के अनुसार नरेश को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके नेता अविनाश ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। अविनाश मानता है कि हम पढ़े लिखे इंसान हैं तो हमें सभ्यता से रहना चाहिए, और हम पढ़े लिखे हैं तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम किसी का तिरस्कार न करें और हम कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल न करें, इसीलिए उसने ये नियम बनाया था अपने ग्रुप में, इसीलिए यहाँ पे निमेश उसका कहता है नरेश को कि अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें। नंबर 11, गांव में राशन वितरण करने का काम कौन करता है? इसका उत्तर आता है, गांव में राशन वितरण करने का काम सहकारी मंडली करती है। ये तो हर गांव के अंदर सहकारी मंडली जो होती है वही राशन वितरण का काम करती है, और जो लोग इस योजना के अंतर्गत आते हैं इन सभी लोगों को सस्ते दाम में ये राशन मिलता है और उनका घर चलता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के वन लाइन के सारे आंसर्स खत्म होते हैं। हमने 1 to 5 क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 1 में देखे हैं और पार्ट 2 में 6 to 11 क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं। तो आप ये दोनों वीडियोस देखोगे तो आपको इस चैप्टर के रचना चैप्टर के सारे वन लाइन के आंसर्स आ जाएंगे, और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं ताकि आपको आसानी से
अगर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं तो तब भी आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो के जरिए पढ़ने में मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।